जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, 8 दलों के 14 नेताओं के साथ की चर्चा। गाजियाबाद पुलिस के नोटिस पर ट्विटर इंडिया को अंतरिम राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिए कोई कड़े कदम न उठाने के निर्देश। इजरायली दूतावास विस्फोट मामले में स्पेशल सेल ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया, हो रही है पूछताछ। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य पहुंचे इंदौर, कोरोना की स्थिति को लेकर की समीक्षा, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जताई चिंता। भोपाल में मौसम ने बदली करवट, बारिश ने जमकर बरसाया कहर, शहर की सड़कें हुई जलमग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं शिवम यादव और आप इस वक्त देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बारिश के कहर से। तो राजधानी में मौसम ने करबट बदल ली है, भोपाल में बारिश ने जमकर कहर बरसाया है, भोपाल की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बता दें कि चंद घंटों की बारिश से भोपाल के DIG बंगला चौराहा पूरी तरह से लबालब हो चुका है। वहीं सड़कों पर भरे पानी की वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। वहीं इस बारिश में नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी है। रोड के किनारे नालियां ना होने की वजह से लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कई बार वहां के जो निवासी हैं उनकी शिकायत के बावजूद नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे भोपाल की, जहां पर किस तरह से चंद घंटों की बारिश ने कहर बरपाया है और लगातार जो वहां पर आम नागरिक हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ स्टेट हेड धर्मेंद्र वर्मा सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, चंद घंटों की बारिश ने लगातार जो तस्वीरें हमें दिखाई हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, अगर भोपाल शहर की बात करें तो जिस तरह से पानी लगातार यहाँ पर गिर रहा है, रात शाम होते ही पानी की जो बारिश है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जो भोपाल के इलाकों की बात करें, एक बड़ी राजधानी है, बड़ा शहर है भोपाल, यहाँ पर जो क्षेत्रों में जो बड़े बड़े नाले हैं उसकी सफाई नगर निगम ने नहीं की है। बड़ी बड़ी नालियां हैं जो कॉलोनियों के बीच से बनाई जाना चाहिए थी वो नहीं बनी, और बनी है तो उस पर अतिक्रमण कर दिया गया है लोगों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ने या किसी ने उसको हटाने की कोशिश नहीं की। यही एक बड़ा कारण है कि क्षेत्र में पानी भरता है, जिसके कारण भोपाल में ऐसे दिन भी देखे गए हैं जब अशोक गार्डन और महामाई के बाद जैसे इलाके में लोगों ने नाव तक चलाई है। नाव भी साधारण नाव नहीं, जो नाव नदी तालाब में चलती वो नाव मोहल्ले कॉलोनी के बीच में चली थी, जिसके गवाह पूरे भोपाल वाले हैं, चश्मदीद गवाह पूरा भोपाल है। लेकिन इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन ऐसा कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं करता है कि आखिर इससे निजात कैसे मिले। और जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी सूरत में नगर निगम PWD के सिर पर ठीकरा फोड़ देता है और PWD वाले कहते हैं नगर निगम ने काम नहीं करवाया। तो ये आपसी जो इनका जो आरोप प्रत्यारोप जो झोलझाल चलता रहता है, इसके चलते सीधे सीधे परेशानी होती है क्षेत्रीय निवासियों को। हालांकि इसमें क्षेत्रीय निवासियों की भी गलती क्यों, नदी की नालों के ऊपर अतिक्रमण क्यों करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो आप इतनी बिल्डिंगें गिराते हैं नगर निगम प्रशासन वाले, इतनी जगह से गुमठियां हटाते हैं, लोगों के रोजगार भी छिन जाते हैं इसकी आड़ में, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले नदी नाल ये जो नाले हैं क्षेत्र के गलियों की जो नालियां हैं इन पर ध्यान क्यों नहीं देते। अगर ये ऐसा करने लगे तो क्षेत्रों में पानी भरना बंद हो जाए। फिलहाल स्थिति यह है कि यहाँ पर भोपाल पूरी जल मग्न है, जो पहाड़ी इलाका है वो छोड़कर निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, झुग्गी बस्ती क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन ने किसी तरह की सुध नहीं ली है और हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम सुस्त रहा। हालांकि ये रेस जरूर लगी हुई है कि नंबर 1 की दौड़ में कौन आएगा, कभी इंदौर के इसके का नाम आता है, कभी भोपाल नंबर 2 पर आता है, स्वच्छता मिशन के नाम पर नंबर 1 की दौड़ में शामिल है नगर निगम, लेकिन स्वच्छता के नाम पर लोगों को अमली जो योजना है, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जो ये दावे कर रहे हैं उसको नगर निगम बुरी तरह से पलीता लगा रहा है। यही कारण है कि रहवासी खासी मशक्कत का सामना कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद धनवेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की और इंदौर जिले में
कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित इस बैठक में अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी है, इसको देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश ऑक्सीजन प्लांट में आत्मनिर्भर हो। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर गंभीर है और नए डेल्टा वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं अशासकीय स्कूल भी अब शिक्षण कार्य शुरू करने को लेकर आंदोलन शुरू कर रहे हैं। रतलाम में स्कूल शुरू करने और आरटीई की राशि स्कूलों को प्रदान करने सहित अन्य मांगें पूरी नहीं होने से निजी स्कूल संचालक नाराज हैं। निजी स्कूल संचालकों ने कई बार ज्ञापन दिया, बावजूद इसके जब मांगें पूरी नहीं हुई तो अब हर तरह से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वो अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं। निजी स्कूल संचालकों ने डीपीसी कार्यालय पहुंचकर राज्य सरकार को जगाने के लिए भैंस के आगे बीन भी बजाई, इसके बाद ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा ने बताया कि पहले तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था, अब मुख्यालय स्तर पर कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमने शिक्षा मंत्री को भैंस का प्रतीक मानकर बीन बजाई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नहरू खान सीधे रतलाम से जुड़ चुके हैं। नहरू, क्या कुछ चीजें हैं जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से स्कूल संचालकों का जो आक्रोश है वो निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि रतलाम में आशासी स्कूल भी अब शिक्षण कार्य शुरू करने को लेकर एक आंदोलन शुरू कर दिया है, जहां पे स्कूल शुरू करने और आरटीई की राशि स्कूलों को प्रदान करने के लिए मांगे पूरी नहीं होने से निजी स्कूल संचालक जो हैं इन्होंने शिक्षा मंत्री जो हैं उनको भेज की बीन बजाकर उसका प्रतीक बताया है। जैसे कि यहाँ प्रांतीय शिक्षण संस्था संघ के जो अध्यक्ष हैं दीपेश ओझा जी, उनके द्वारा ये तहसील स्तर पर विरोध किया गया और अब मुख्यालय पर भी कर रहे हैं। उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने आज शिक्षा मंत्री को भेद का प्रतीक मानकर बीन बजाया है, आगे बड़े आंदोलन और भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल के आह्वान पर प्रदेश के समस्त जिलों की समस्त तहसीलों में आंदोलन का आगाज किया गया है। शिक्षा मंत्री को हम विगत 15 माह से विभिन्न मांगों को लेकर मांग पत्र और ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का हमारी ओर और निजी विद्यालयों के साथ सोताले व्यवहार है। न वो सुनना चाहते हैं, न उन समस्याओं का निदान चाहते हैं। इस वजह से हमको फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है। आज हमने शिक्षा मंत्री को भैंस का प्रतीक माना है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भैंस को, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री निरंकुश हो चुके हैं, उनको निजी विद्यालयों। वहीं सिंगरौली जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से बेजुबान जानवरों की मौत हो गई। यहां बिजली के तार की चपेट में आने की वजह से एक दर्जन से ज्यादा बेजुबान जानवरों की मौत हो गई। बता दें कि सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में आने वाले सेमरा पुल के पास बीती रात 11 केवी बिजली का तार टूटकर खेत और सड़क पर गिर गया। इसकी ग्रामीणों ने सूचना बिजली विभाग को दी, लेकिन लापरवाह बने विद्युत अमले ने मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई, यहां तक कि विद्युत प्रवाह भी बंद नहीं किया और सुबह तक एक दर्जन से ज्यादा बेजुबान जानवरों की मौत हो गई। मौत की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक राजस्व के अधिकारियों ने खुद भी माना है कि यह पूरी तरह से बिजली विभाग की लापरवाही है। हालांकि कन्फर्म से है कि ये बिजली के तार गिरा था, उससे मरे जानवर उसके बाद फाइनल जहाँ जानवर खुले नहीं होते इस मौके में, तो वहाँ वायर टूटा हुआ गिरा हुआ था, ये बिजली वाला, और सभी बिजली के जो वायर थे उस पर गिरे हुए थे वाली जी, तो वो तो इंडिकेट करता कि ये जलने से मरा है ना लाइट। लापरवाही तो देखिए, अब बिजली का खंभा वायर टूटा तो सीधी बात तो इंडिकेट करता है बिजली वालों का जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अगर उनको वही पता होता है फिर पहले से अगर वो लोग कर लेते, ये सारे गांव वालों ने बताया कि कल क्या सूचना दिए थे वहाँ पे 7 बजे मिली है कि यहाँ पर बिजली के तार टूटने से 11 मवेशियों की मृत्यु हो गई है। हमने तुरंत मौके पर के हिसाब से यहाँ पर आए, देखें यहाँ पर तार टूटा हुआ है बिजली का, इसमें 11 मवेशी बिजली के तार से फंसे हुए हैं और मृत पाए गए हैं, और इनका सही पंचनामा वगैरह करवा करके इनको आर्थिक।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय यादव सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर सामने निकल कर आई हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो वाकई में ऐसी लापरवाही है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, बड़ी बात मैं बता दूं कि सिंगरौली जिले में जो जियावन थाना अंतर्गत यहाँ पर सेमरा पुल था, वहाँ पर 11 केवी का जो बिजली का तार था वह टूटकर खेत में गिर गया, जहाँ गाय चरने गई थी, बेजुबान पशुओं की मौत हुई है, जिसको लेकर बिजली विभाग कभी गंभीर नहीं रहा है। आपको बता दें, इसकी जानकारी कई बार ग्रामीणों ने बिजली विभाग को दी है, फिर भी आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही कही जा रही है। बल्कि जो पशु चिकित्सक थे उन्होंने भी कहा कि आज कोई लापरवाही बिजली विभाग की है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वही इंदौर में मादक पदार्थ बेचने वालों ने इंदौर के दो पत्रकारों पर देर रात हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही खबरों के बाद योजनाबद्ध तरीके से एक अखबार के संपादक और रिपोर्टर पर जानलेवा हमला किया। मामला सदर बाजार इलाके का है, जहां बड़ी संख्या में लोग नशे के कारोबार से जुड़े हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हाल ही में 70 किलो नशीली MDMA की खेप पकड़ी थी, जिसमें 25 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं देर रात इरशाद नाम के युवक ने उसके साथियों के साथ न्यूज कवर कर रहे पत्रकार जावेद खान और शहनवाज खान पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी जान बचाकर भागे पत्रकारों ने पुलिस थाने पहुंच अपनी आपबीती पुलिस को बताई, जिसके बाद हमलावरों पर कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और उनके साथ में कोई इरशाद और उनके लड़के के द्वारा मारपीट की गई है, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनकी दोनों की तलाश की जा रही है। जैसे गिरफ्तारी उनकी अपराधी का कोई पुराना अपराधिक रिकॉर्ड, उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, और जो आपराधिक रिकॉर्ड अगर मिलता है इनके खिलाफ, तो जो भी आजकल अपराधी होता है उसके खिलाफ भी इनके खिलाफ कार्रवाई की। तो देखने में आया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है और मीडिया के ऊपर भी दूसरा तीसरा हमला इंदौर में हो चुका है। नहीं, अपराधी ठीक है, ये अपराध जो है वो लॉकडाउन के कारण कुछ अपराधी जो अभी अंदर छुपे हुए थे, लेकिन प्रशासन। वहीं मंदसौर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तेलिया तालाब पर अभी इन दिनों विदेशी पक्षियों ने डेरा जमाया हुआ है। कई तरह के विदेशी पक्षी यहां पर चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं। यहां पर आने वाले पर्यटक यहां की हरियाली के साथ साथ इन पक्षियों की चहलकदमी भी देखते हैं। कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी यहां पर आए हुए हैं, इसमें अधिकतर पक्षी साइबेरियन है। साइबेरियन पक्षी यहां मछलियों का शिकार करते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये सभी पक्षी जब तालाब से उड़कर एक साथ उड़ान भरते हैं तो इसका नजारा देखने लायक होता है। तेलिया तालाब मंदसौर का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण के साथ पर्यटन की और भी कई संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग अगर यहाँ पर और कुछ विकास करता है तो ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छी और सुंदर जगह होगी, जहाँ पर मंदसौर शहर ही नहीं आसपास के लोग भी आकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। तेरे तालाब पे अभी काफी पक्षी आए हुए हैं, बाहर से विदेश से भी काफी पक्षी लग रहे हैं, नए फ्लेमिंगो बगुले बहुत आयात में है। एक अच्छा फायदा है कि यहाँ पे मछली पालन नहीं होता तो जो मछली की जो बची है वो खाने दूर दूर से भी आ रहे पक्षी, और बड़ी साइज के क्रेब और साइबेरियन पक्षी भी है, और एक अच्छा मनोरम दृश्य है। लोगों को आंखों को भी अच्छा लगता है कि वाकई इतने सारे पक्षी विदेश से आ रहे हैं, देश के भी है, और पानी है यहाँ पे। पर यदि ये तालाब भरा रहेगा तो हम गुना में बीते दिनों बजरंगगढ़ किले में एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली थी। हत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से मौके का जायजा लिया, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न तकनीकी संसाधनों की मदद से साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई थी। आज गुना पुलिस द्वारा दो गंभीर सनसनीखेज अपराधों का खुलासा किया गया है। पहली घटना बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत कल घटित हुई थी शाम को, जबकि एक व्यक्ति की वहां डेड बॉडी मिली थी बजरंगगढ़ किले के ऊपर, जिसमें कि सिर में चोट थी, लहूलुहान स्थिति में वह पाया गया था। इसमें मर्ग कायम कर तत्काल विवेचना में लिया गया, विशेष टीम लगाई गई, CSP आकाश अमरकर और बजरंगगढ़ थाना।
वह इंदौर शहर अनलॉक होते ही लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र की कोहिनूर कॉलोनी के पास का है। यहां रहने वाले 12वीं के छात्र रेहान को आरोपी निजाम ने देर रात चाकू मार दिया। दोनों में 3 दिन पहले एक जन्मदिन की पार्टी में विवाद हुआ था। वहीं घायल को उसके परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने पहले मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी थाना आजाद नगर के मदीना नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घटनास्थल को देखा गया और जब जानकारी प्राप्त की गई तो रेहान नामक एक व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई है और हत्या करने वाला उसका दोस्त ही है नाजिम। संबंध में अभी हत्या के कारणों के बारे में पुलिस पतारसी कर रही है किस कारण से हत्या की गई है। वहीं इंदौर पुलिस ने शहर के अलग अलग एटीएम मशीन से रुपए निकलने के मामले में आरोपियों की पहचान कर ली है। आरोपी हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं। दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर इंदौर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बता दें कि कुछ दिन पहले आरोपियों ने इंदौर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में सिलसिलेवार कैश डिपॉजिट मशीन को हैक कर रुपए निकाले थे। बता दें कि आरोपी सिर्फ डिपॉजिट मशीन को ही निशाना बनाते थे। पुलिस ने बैंक अधिकारियों से बातचीत की है। इसमें यह सामने आया कि जिन बैंक खातों का उपयोग किया है वो सभी हरियाणा के मेवात के हैं। इस कारण पूरा शक मेवात के बदमाशों पर जा रहा है। पुलिस बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। रीवा में विगत दिनों हुई शाहपुर की घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश पर बस मालिक, नगर सैनिक सहित 4 लोगों पर SC ST एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं थाना प्रभारी श्वेता मौर्या की भी गंभीर लापरवाही सामने आने पर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। इसी के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए रीवा जोन IG उमेश जोगा के निर्देश पर पुलिस कंट्रोल रूम में DIG और SP राकेश सिंह के निर्देश पर डायल 100 पुलिसकर्मियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। शाहपुर के मैटर में डायल 100 से पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची। डायल 100 में उस समय सैनिक 480 राम सुंदर कोल ड्यूटी पर था। डायल 100 के पहुंचने से पहले कुछ लोग एक युवक और युवती का वीडियो वगैरह बना रहे थे, उनको बस के अंदर घेरे हुए थे, वीडियो बना रहे थे। डायल 100 में पदस्थ किसी भी कर्मचारी का काम यह नहीं है। काम यह है कि यदि कोई पीड़ित है तो उसको सुरक्षित निकाल कर थाने लाना, यदि कोई घायल है तो उसको अस्पताल पहुँचाना, यदि कोई झगड़ा है तो गंभीर झगड़ा है तो थाना प्रभारी को अवगत कराना। ये सारे काम उनके द्वारा नहीं किए गए। युवती के रिपोर्ट पर 4 लोगों के विरुद्ध IPC की और SC ST एक्ट की अलग अलग धाराओं में अपराध कायम हो रहा है। मुख्य आरोपियों के रूप में ईशु सिंह, जो बस का मालिक है, जिसने डायल 100 को सूचना दी, जिसने घटना से डायल 100 के पहुंचने से पहले युवक युवती को घेरे में लिया हुआ था, ईशु सिंह उसके साथ। लोग भगवान में आस्था रखते हैं, मुसीबत पड़ने पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर क्या आपने सुना है कि भगवान आपकी रुपयों से भी मदद कर सकते हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर रतलाम से ये हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां एक गांव के लोग भगवान हनुमान से कर्ज ले रहे हैं और वाकायदा भगवान भी ब्याज की रकम वसूल रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कहां मौजूद है ये विचित्र गांव? आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। हनुमान जी का कर्जदार है पूरा गांव। बरकत की पहली सीढ़ी मानते हैं ग्रामीण। बकायदा प्रोमिसरी नोट पर होती है लिखा पढ़ी। देनदार में लिखा जाता है हनुमान जी का नाम। यूं तो ईश्वर की मेहरबानी से पूरी दुनिया चल रही है। यह इस दुनिया पर भगवान का सबसे बड़ा कर्ज है, लेकिन हम यहाँ एक ऐसे कर्ज की बात कर रहे हैं जो रुपयों से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के रतलाम के एक गांव के लगभग सभी निवासियों ने भगवान हनुमान से रुपयों का कर्ज ले रखा है। ये भगवान हनुमान के कर्जदार हैं और ये सभी कर्जदार बकायदा भगवान हनुमान को सालाना ब्याज भी देते हैं। लगभग 2,500 की आबादी वाला ये गांव है बिगड़ोल। रतलाम से
6 किलोमीटर दूर इस गांव में है भगवान हनुमान का मंदिर और पूरा गांव ही इस मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान जी से रुपयों का कर्ज लेता है। भगवान हनुमान से इस गांव के लोगों का कर्ज लेने का यह सिलसिला लगभग 35 साल पहले शुरू हुआ था जो अभी भी जारी है। 35 साल पहले शिवरात्रि पर इस मंदिर पर यज्ञ का आयोजन शुरू हुआ था। यज्ञ के लिए राशि ग्राम के ही लोगों ने एकत्र की थी। तब आज जैसा भव्य मंदिर वहां मौजूद नहीं था, एक छोटा सा ओटला था और उसी ओटले पर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित थी। इस यज्ञ में जितना खर्च होता है उसके बाद बच जाने वाली राशि को किस उपयोग में किया जाए यह आयोजन समिति तय नहीं कर पाई थी। तभी एक सुझाव आया कि बची हुई राशि गांव के जरूरतमंद लोगों को कर्ज के रूप में दे दी जाए और उनसे सालाना ब्याज लिया जाए। इस सुझाव पर अमल के लिए मंदिर में ग्रामीणों की एक समिति बनी और यही समिति यज्ञ के बाद बची हुई राशि को लोगों को कर्ज के रूप में देकर उनसे ब्याज वसूलने लगी। ब्याज की राशि का उपयोग मंदिर समिति द्वारा मंदिर निर्माण में किया गया और आज ब्याज की राशि से ही भव्य शिव हनुमान मंदिर खड़ा है। तब से आज तक भगवान हनुमान से गांव के लगभग हर परिवार ने कर्जा लिया है। नहीं, ऐसी भावना है चुकाने में तो भगवान ने इन्हें इतनी शक्ति दे दी कि आज भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा है कि यहाँ पे हम इनके नाम से मतलब ये पैसा चलता रहे और हमारी उन्नति होती रहे। यहाँ गांव में जो हमने एक ऐसी रेंज बना रखी है, छोटे जो यज्ञ में चंदा देते हैं 100 रुपये देता है, कोई 200 देता है, कोई 300 देता है, तो इसी प्रकार से हमने पैसे का भी क्रम बना रखा है। समिति द्वारा कर्ज की भी सीमा तय की गई है। सबसे कमजोर व्यक्ति को 1500 रुपये, मध्यम वर्गीय परिवार को 2000 और अमीर को 3000 की राशि कर्ज के रूप में दी जाती है और सालाना 2% का ब्याज लगाया जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि वो कोई भी काम या आयोजन भगवान हनुमान से कर्ज लेकर ही करते हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की सोच है कि जिस काम के लिए कर्ज लिया हो वो काम भगवान हनुमान की कृपा से सफल होता है। इसी सोच के कारण गाँव में किसी के यहाँ शादी हो या अन्य कोई कार्य, सबसे पहले उस काम के लिए भगवान हनुमान से ही राशि ली जाती है और जो भी राशि दी जाती है बकायदा उसका प्रॉमिसरी नोट भी लिखा जाता है। कर्जदार को साल भर में कर्ज चुकाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका ब्याज साल भर में एक बार होली पर जमा कराया जाता है। मामला सच में विचित्र है पर आस्था का अनोखा उदाहरण भी है। बिबड़ोद गांव इस वक्त लोगों के लिए उदाहरण बनकर सामने आया है कि भगवान में किसी की भक्ति इस तरह से भी हो सकती है। वहीं बिबड़ोद गांव के मंदिर समिति का यह प्रयास गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। रतलाम से प्राइम टीवी के लिए नाहुर की रिपोर्ट। वैसे तो हमें भगवान के कई रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन हनुमान जी का ये रूप जो कि रतलाम में देखने को मिला वो वाकई में हैरान करने वाला है, जहां पर लोग हनुमान जी के कर्जदार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।